परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। झाड़ू पार्टी होवे जां भाजपा होवे, चाहे कांग्रसी होन ते चाहे बादल के होवे, कोई भी पंथ ते पंजाब दा हितैषी नहीं है। ये सारिया पार्टियां पंथ ते पंजाब दे विरुद्ध भुगत रही आ। सारिया ने पंथ ते पंजाब दे नाल जिहड़े संबंधित मुद्दे आ उन्हां नूं वोट बैंक बनाया होया आ ते ओह मुद्दे हल नहीं कीते जा रहे। आ हुण दिल्ली दी जिहड़ी झाड़ू पार्टी आ, केजरीवाल सरकार ने बंदी सिंह साडी कौम दे जुझारू योधे प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई दे विच दोबारा फिर एक वड्डा अड़िका डा दिता आ। इस तों पहलां भी केजरीवाल सरकार कई बार प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर की जी रिहाई आ वो रोक चुकी हुई है। केजरीवाल का चाहे भगवंत मान का जां सारी झाड़ू पार्टी का कह दिए कि इन्हां दा भी पंथ अते पंजाब विरोधी जिहड़ा चेहरा आ वो एक बार नहीं कई बार नंगा हो चुका आ। सरकार चाहे कोई भी होवे, कोई भी सरकार सिक्खी नूं प्रफुल्लित नहीं होण देना चाहुंदी, कोई भी सरकार पंजाब नूं हरिया भरिया पंजाब गुरुआं दा पंजाब नहीं बन देना चाहुंदी। सरकारां ने पंजाब दे विच बेरोजगारी भ्रिष्टाचारी वड्डी पद्धर ते जिहड़ा नशा आ उह सुटिया होया आ। सो पंजाबियों नूं सरकार बर्बाद करन दे उत्ते तुली होई है। जेकर आपां पंथक मुद्दियां दी गल करिए तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दीआं बेअदबियां दा दौर जो शुरू होया सी 2015 दे विच लगातार वह अज भी जारी है। भगवंत मान की सरकार दे विच भी लगातार गुरु साहिब जी दीआं बेअदबियां हो रही हैं। आ हुण पिछले दिनों की एक रिपोर्ट भी सी अखबारां दी कि बेअदबी मामले दे विच भगवंत मान सरकार भी डेरा सिरसा मुखी नूं नामजद नहीं कर रही, उहदे तों पुछगिछ जिहड़ा आ उह नहीं कर रही, उहनूं पंजाब लिया के बेअदबी मामले विच उहदे तों पुछगिछ जिहड़ी आ उह कीती जानी चाहीदी आ। लेकिन भगवंत मान सरकार ने भी इस गल नूं पूरा जिहड़ा आ उह अणगौलिया होया आ। सब कुछ जाणदे होए भी सारिआं नूं पता आ कि डेरा सिरसा मुखी उह मुख मास्टर माइंड सी, पर जानते हुए भी सरकारां बेअदबी का इंसाफ देने नूं भी तैयार नहीं आ। अते इस दे नाल ही जेकर गल करिए सुल्तानपुर लोधी वाला कांड जिहदे विच भगवंत मान की सरकार ने पुलिस ने बड़ी जिहड़ी घटिया भूमिका निभाई है, किस तरह गुरु घर उत्ते हमला किया गया, निहंग सिंघां दे उत्ते जिहड़ा हमला किया गया बाणी पढ़ते हुए सिंघां दे उत्ते, जो कुछ बादलकियां ने बलगाड़ी दे विच कोटकपुरा दे विच बहबल कलां दे विच कीता सी उही कुछ भगवंत मान ने इत्थे करना चाहिया। किसे दे विच कोई भी फर्क नहीं रहा, ये सिर्फ चेहरे बदल रहे आ। इन्हां दी जिहड़ी नीति हुंदी आ उह इक्को ही हुंदी आ सारिआं दी, ते जां इह कह लईए कि इह नीति डीप स्टेट वल्लों जिहड़ी आ उह घड़ी जांदी आ, जां जिहड़े दिल्ली विच भारती हिंदू हाकम बैठे हुए आ उह जिहड़ी नीति घड़ के इत्थों दे करिंदियां नूं दिंदे आ, चाहे वह करिंदा इन्हां दा भगवंत मान होवे, चाहे प्रकाश सिंह बादल होवे, चाहे सुखबीर सिंह बादल होवे, चाहे वह कैप्टन अमरिंदर सिंह होवे, ते चाहे कोई होर होवे, चाहे वह कांग्रेस का भी कोई मंत्री होवे, चाहे झाड़ू पार्टी का होवे, सारियां दी नीति इक्को जी आ पंथ अते पंजाब नूं लुटना। हुण प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई जिहड़ी रोकी गई आ उहदा मुद्दा काफ़ी भखिया होया आ। सो ये सरकार का पंथ विरोधी चेहरा देखो कि जदों भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं बनया सी उदों तां इह बंदी सिंघां दी रिहाइयां दी गल भी करदा हुंदा सी, जदों भाई गुरबख्श सिंह खालसा ने भुख हड़ताल रखी सी गुरद्वारा अंब साहब जां लखनौर साहब, उत्थें वेखो कि भगवंत मान आप जांदा भी रहा, गाहे बगाहे पहलां गल भी करदा रहा, हुण जदों आप ये मुख्यमंत्री आ तो ये हुण कोई भी बंदी सिंघां दी जिहड़ी गलबात है वह नहीं करता। पंजाब विधानसभा दे विच जिहड़ा मता पास होना चाहीदा कि बंदी सिंघां नूं जिहड़ा रिहा आ वह किया जाए वड्डे पद्धर ते, जिहड़ियां सरकारां वल्लों पंजाब सरकार वल्लों तो घट्टो घट आवाज़ चुकी जाए, बाकी सरकारां ने तो साडे विरुद्ध ही भुगतना आ, पर तुहानूं तां पंजाब दे लोकां ने जताया सी ना, पर तुसीं उहनां दे नहीं बने।
सो प्रोफेसर दविंद्रपाल सिंह भुल्लर जो दहाकियां तो जेल दे विच नज़रबंद आ ते अपनी सज़ा पूरी भी कर चुके हुए आ हिंदुस्तान के कानून अनुसार जो उन्हां दी सज़ा बनती सी पर फिर भी जो उन्हां दी रिहाई नहीं हो रही असी समझते हाँ कि सरकार सानू गुलाम बना के रखना चाहती है सरकार सिखां नू सिखां दी अणख मारना चाहती है सिखां नू नीवां विखाउणा चाहती है ते सिखां दी जिहड़ी अणख आ जां सिखां दा जिहड़ा सिदक आ सरकार उहनू तोड़ना चाहती है पर धन ने साडे बंदी सिंह जिहड़े काल कोठरियां दे विच बंद रहे जिन्हां ने लंबियां जिहड़ियां सजावां कट्टियां जां हाले भी कई सिंह जिहड़े आ उह कट रहे आ सो उहनां दे अगे साडा शरदा भावना सतकार सहित सीस झुकदा पहलां उहनां ने कौम दीआं पंथ दीआं वड्डीआं सेवावां भी निभाईआं सिख संघर्ष दे विच हुण उह लंबियां जेलां भी कट रहे आ पर उह डोले नहीं कदी उहनां ने कौम नूं पंथ नूं मेहना नहीं मारिया पर हुण साडा सारिआं दा फर्ज बणदा आ कि असीं उहनां दी रिहाई दी आवाज़ बुलंद करिए सो सरकार नूं चाहीदा आ कि जिन्ने भी साडे बंदी सिंघ आ उहनां नूं रिहा कीता जावे एक पासे भाजपा सरकार होवे चाहे झाड़ू पार्टी होवे ये सारिया सिखां दे हमदर्द होण दा दावा भी करदियां कि साडी बड़ी सांझ आ पर दूजे पासे जिहनूं आपां कहिंदे ना कि गज वज के ये सिखां दे खिलाफ भुगत गईआं इहनां दी दोहरी नीति है हिंदुस्तान दा जिहड़ा कानून है वह भी दोहरा आ जदों तां गल हुंदी है सिखां ते होर घट गिणतियां दी उदों विहार होर कीता जांदा आ ते जदों बहुगिणती दी गल होवे हिंदुआं दी गल होवे ते उदों जिहड़ा विहार आ उह होर हुंदा आ आ जिवें उह साधवी प्रग्या सी जां करनल पुरोहित सी ते उह उपध्याय वर्गे जां होर कई जिन्हां ने बंब धमाके कीते सी वो देखो कि सारे इन्हां ने रिहा भी कर दिते कईआं दे केस कमजोर कर दिते ते वो साधवी प्रग्या दे MP भी बन चुकी हुई आ ते जिन्हां ने सिखां दा कतलेआम कीता दरिंदे जगदीश टाइटलर वर्गे कमलनाथ वर्गे वो बहुत सारे इदां ही बाहर बुल्ले लुट रहे आ उहनां नूं कोई भी जिहड़ी सज़ा आ वो नहीं हुई लंबे समय तो सिख जिहड़े अदालतां विच चक्कर कट रहे आ पर उहनां नूं कोई भी सज़ा नहीं आ लेकिन इत्थे कोई भी सिख जदों सिखी की गल करता है सिखी के प्रचार प्रसार की गल करता है कौम के आजाद घर की गल करता है तो उस वेले सिखां नूं जेलां सिखां नूं फांसियां जिहड़ियां आ उह दित्तियां जांदियां आ आ हुण मैं देख रहा सी कि एक वीर साडा मालवे दे विच जो भाई लखबीर सिंह लखा सिधाणा का साथी भी सी भाना सिद्धू सो उहनूं भी सरकार ने बेवजह जिहड़ा गिरफ्तार आ उह कर लिया उहनूं एक झूठे केस दे विच फसाया गया तो खबरां बाहर आ रही है कि बड़े बुरे तरीके दे नाल उस वीर दे उत्ते भी तशद्दुद जिहड़ा आ उह कीता गया सो जिहड़ा पुलिस दा वतीरा आ उह लगदा आ कि अज भी ज्यौंदा त्यों ही आ जिवें जथेदार भाई गुरदेव सिंह जी कौंके नूं किन्ने तसीहे दित्ते गए उहनां नूं अल्फ नंगा करके उहनां नूं पुट्ठा टंग के उस तों बाद उहनां नूं इन्ने तसीहे दित्ते गए उहनां दी अख तक जिहड़ी आ उह कढ दित्ती जांदी आ चड्डे पाड़ दित्ते जांदे फिर कोह कोह के शहीद कर दिता जाता है सो अज भी पंजाब के नौजवानों के नाल उही कुछ हो रहा है आ भाना सिद्धू वीर हुणे उह मैं लखा सिधाणा वीर नूं सुन रहा सी उह दस रहा सी कि उहनूं अल्फ नंगा करके ते उहदे शरीर दे उत्ते जिहड़ा ठंडा पानी आ बर्फ वाला जिहड़ा पानी आ उह पाया गया ते उस वीर उत्ते तशद्दुद भी काफ़ी जिहड़ा आ उह ढाया गया सो इह कानून दा राज तो है ही नहीं ये तो पुलिस दा राज ही हो गया गुंडा राज ही हो गया कि जिन्हों मर्जी जिहड़ा कोई पंथ ते पंजाब दी गल करदा उहदे उत्ते केस मतलब कि तुसीं पंथ ते पंजाब दे हक विच बोलन वाले सिख नौजवानों की आवाज़ जिहड़ी उह दबाउणा चाहुंदे हो आवाज़ बंद करना चाहुंदे हो तुसीं साडे बुल सीना चाहुंदे हो तुसीं साडी जुबान कट देना चाहुंदे हो कि असीं अपनी कौम की जिहड़ी गल आ उह ना करिए पर जिन्ना चिर तक साडे शरीरां दे विच साह आ असीं अपने कौम दे लई अपने पंथ दे लई अपने धर्म दे लई अपने हकां हकूकां दे लई अपनी कौम दी आज़ादी दे लई संघर्ष करदे रहांगे सो केजरीवाल सरकार भाजपा सरकार बादल के होण चाहे कांग्रेसी होण दोबारा दस रहे हैं कि यह कोई भी पंथ अते पंजाब हितैषी नहीं इन्हां सारिआं दा जिहड़ा बाइकाट आ उह करना चाहीदा आ सो पंजाब दे विच एक इहो जी धिर उठनी चाहीदी है जिहड़ी सचमुच ही पंथ अते पंजाब दी हितैषी होवे जिहड़ी सिक्खी दी गल करे पंजाब दी गल करे
चाहे वह सरदार सिमरनजीत सिंह मान होन, सानू सारे चाहिए है कि असी मान साहब की जी सपोर्ट आ वो करिए। जिस तरह हूँ वो संगरूर तो एम पी बने हुए आ, अगाँह भी हूँ जो लोग सभा चोण आनी आ असी अजिहे गुरसिख जुझारू योधियां जिहड़ा अगे लैके आईए तां जो साडी जिहड़ी कौम की जिहड़ी आवाज़ आ वह बुलंद होवे। बाकी सारिया पार्टियां देख लिया, लोगों ने कांग्रेस को भी देख लिया, बादल क्या भी देख लिया होया आ, झाड़ू पार्टी भी लोगों ने देख लिया होया, लोगों का जो चा है वह लत गया। झाड़ू पार्टी ने भी आ साल दो साल जे तारे दिखा दिते आडे सारे जरा सामने आ। सो असी तो पहले ही कहते कि जिस तरह का सुखबीर बादल है उस तरह का जरा भगवंत मान आ। तो दीप सिद्धू वीर भी सानू दस गया भगवंत मान बारे भविखबाणी कर गया, पर पता नहीं क्यों साढ़े जिहड़े लोग आ वो समझते नहीं, जां उदों समझते जदों समा जिहड़ा आ लंघ जांदा। हुण भावें समा लंघ ही गया फिर भी सानू जिहड़ा आ वो समझ जाना चाहिए कि पातशाह जो बीती सो बीती अग्गे समझ चलो आनंद लाला। हुण असीं समझ के सारे वीरां नूं बेनती है कि वो चलीए ते इन्हां सरकारां दा जिहड़ा बाइकाट करिए। तो सरदार सिमरनजीत सिंह मान वर्गे जुझारू योधे जो बंदी सिंघां दी रिहाइयां दी गल करदे आ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अदब सत्कार की गल करते, कौम की आजादी की गल करते, साडे शहीदां की गल करते, साडे पंजाब दे पाणियां दी जिहड़ी गल आ उह करदे आ। सो अजिहे योधियां नूं अगे लिआउण दी लोड़ आ। सो बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई मोर्चा भी चंडीगढ़ विखे लगा होया आ। सो सारियां सिख संगतां उस मोर्चे का भी जिहड़ा हिस्सा आ उह जरूर बणन। सो इत्थे ही खिमां दा जाचकियां जी दास रणजीत सिंह विद्यार्थी दमदमी टकसाल मुख सेवादार सिख यूथ फैडरेशन भिंडरांवाला, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।